हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का 11वां इकाई पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है एक यात्रा यह भी। लेखक रामदरस मिश्रा। एक यात्रा यह भी, यह एक कहानी है और कहानी कुछ न कुछ उद्देश्य या बोध हमें देकर जाती है। लेखक का प्रयत्न इस कहानी के माध्यम से हमें जीवन में स्त्रियों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, बड़ों के प्रति हम किस तरह पेश आए, इसके बारे में सदृष्टांत बताने का प्रयत्न किया गया है। एक यात्रा यह भी शीर्षक के तले लेखक अपने जीवन की एक यात्रा, एक घटना का वर्णन करते हैं। वैसे भी हम यात्रा जीवन में कहीं न कहीं पर जाना, घूमना, अपनी जिम्मेदारियों से थककर हम यात्रा पर जाते हैं। किसी पवित्र या धार्मिक स्थान की मुलाकात को हम यात्रा कहते हैं, पर यहाँ पर लेखक ने जिस यात्रा की बात बताई वह एक इंसान से मिलना और उसे लेखक ने यात्रा का नाम दे दिया और कहा कि एक यात्रा यह भी, वह किसी यात्रा से कम नहीं था। जीवन में प्रभावित कर देने वाली यह घटना लेखक ने हमारे सामने सदृष्टांत रखने का प्रयत्न किया। लेखक कहते हैं कि वैसे तो मैं यात्रा भेरू, यात्रा से डरने वाला था। यात्रा पर निकलते समय मुझे डर लगता था, क्योंकि कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ न जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, मिलना होगा, न जाने कैसी अनुभूतियाँ होगी और अटसर्ट यानी कि आसपास किराया मांगने वाले ऑटो वालों से न जाने किस तरह भिड़ना पड़ेगा, नए शहर में कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता हर समय बनी रहती थी। पर जब लेखक कहते हैं कि मुझे एक बार डॉक्टर से मिलने ग्वालियर जाना पड़ा, उस समय पत्नी साथ थी इसलिए मुझे चिंता नहीं थी, कुछ आशक्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए, हम चुपचाप आगे बढ़ने लगे। तभी एक नवयुवक ऑटो वाला हमारे पीछे पड़ गया। हम कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ते रहे। फिर उसकी आवाज़ आई कि बाबूजी, आप आखिर कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही और कोई ना कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण लगा कि लेखक कहते हैं कि मैंने स्वीकृति दे दी। हम उसकी ऑटो में बैठ गए। लेखक और उसकी पत्नी डॉक्टर से मिलने गए थे ग्वालियर, उस समय की यह बात है। लेखक कहते हैं कि वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। उसके द्वारा बताए हुए पैसे उसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई, पर पता चला कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था और हमें नई जगह पर पहुंचा दिया, और वहां पर भी उसने कहा कि आप जो चाहिए पैसा किराया दे दीजिए। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया हमने उसे दे दिया। फिर उसने पूछा कि बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे। लेखक कहते हैं कि मैंने कहा कि होटल पर, मैंने उसे होटल का नाम बताया और कहा कि भाई तुम जाओ, यहाँ हमें देर लग सकती है,
और वह कुछ बोला नहीं। जब हम डॉक्टर के पास घंटे भर के बाद उसके घर से निकले तो वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता चला, यानी कि हमारे भीतर अपना प्रभाव जताता चला। उसके ऑटो में बैठकर हम होटल पर पहुंचे। होटल पर छोड़कर उसने कहा कि फिर कब आऊं, यानी कि आप शहर में घूमना तो चाहते ही होंगे, आपको जहां जाना होगा मैं ले चलूंगा। वैसे आप यहां कब तक हैं? लेखक कहते हैं कि कल तक, कल शताब्दी से यहां तक, यहां से लौटेंगे। तो उसने कहा कि आपको घुमाने के लिए कब आओ? लेखक कहते कि आज तो हम थके हुए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। उसने अपना पता, अपना फ़ोन नंबर दे दिया और कहा कि मुझे बुला लीजिएगा, और वह चला गया। लेखक ने उससे अपना नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम मोहन है, और दूसरे दिन वह समय पर आ पहुंचा। लेखक कहते कि घूमने का कार्यक्रम शुरू हुआ, वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता चला। मुझे बाबूजी और मेरी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता रहा। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे हमने कमरे में बुला लिया। बहुत संकोच के साथ वह हमारे साथ चाय पीने प्रवेश करता है। पारिवारिक बातें शुरू हुई और मेरी पत्नी ने उसे पूछा कि बेटे तुम ग्वालियर के हो? तो उसने कहा कि नहीं अम्मा, मूलतः मैं तो आगरा का रहने वाला हूँ। और इतना कहते कहते न जाने कैसे उसके चेहरे पर कुछ दर्द झलक आया। लेखक कहते हैं कि हम चुप हो गए, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है और मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी की खोज कर रहा था। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि उसके साथ कुछ अवांछित घटना घटित हुई होगी, उसे छेड़ना उचित नहीं। किंतु उसने फिर कहना शुरू किया कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। घबराई हुई, डरी हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने पूछा तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप एक बड़ी उम्र वाले अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी किंतु उस अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मोहन कहता है कि मैं बहुत असमंजस में, बहुत मुसीबत में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वह कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब भी बोले कि इसकी FIR लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता हूँ, लेकिन इस समय चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसे लिया क्या जाए, यानी कि इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मोहन कहता है कि मैंने ना में सिर हिलाया। तो वह बोले कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? इस आकस्मिक प्रस्ताव से
मैं तो दंग रह गया। किंतु कुछ पल बाद लगा कि बुरा भी क्या है। मैंने कहा कि सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उस लड़की से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाकर हाँ कहा। लेकिन क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती थी, बात तय भी हो चुकी थी। यानी कि मोहन उस लड़की से शादी कर लेता, पर माता पिता तो थे नहीं, भाई और भाभी के साथ रहता था और भाभी अपनी बहन से मोहन की शादी करवाना चाहती थी, बात भी तय हो चुकी थी। और इस समय मोहन संकट में पड़ गया कि भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह थी कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर ही होगा और मानवीयता से भरा हुआ भी। लेखक ने कहा कि फिर हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर उसे उसी अधेड़ के हाथ बेच दी जाएगी। मोहन ने कहा कि मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस दर्ज कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कि कुछ दिन नारी निकेतन में उसे रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा कि मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कि मैं कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है और कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है, और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती हैं। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई ही पड़ जाता है। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, और दूसरी बात यह कि जिस लड़की से शादी की वह हमारी जाति की नहीं थी। तो लेखक कहते कि तुम ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था, पराई शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, कि यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात प्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। लेखक कहते कि हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे मैंने अपना निर्वाह शुरू किया। लेखक कहते कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख लिखते हैं, प्रवचन देते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में, अपने आचरण में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को मुसीबत से, दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक जोड़ दिया। मोहन ने कहा कि बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो हर दिन प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। लेखक कहते हैं कि मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। एक
ऑटो चलाने वाला एक सामान्य इंसान। लेखक कहते हैं कि अपने आचरण से मेरे मन में बहुत बड़ा बन गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसी में 500 रुपये का नोट देने लगा, पर वह बोला कि रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक फल है, कोई दान थोड़े दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का क्या मोल होता है? पैसा तो मैं लोगों से बहुत कमा लेता हूँ। लेखक कहते हैं कि बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, और जब भी ग्वालियर आए मुझे बुला लीजिएगा। यह मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखक ने कहा, क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। और उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो कि कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला कि बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहो क्या? हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। और आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं बाबूजी। तो लेखक ने बताया कि मैं सत्यकेतु और पत्नी कामना। लेखक कहते हैं कि जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आंखें न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारती रही, यानी कि मोहन खड़ा लेखक को जाते हुए देखता रहा। यह एक कहानी जिसका शीर्षक है कि एक यात्रा यह भी। लेखक कहते हैं कि मैं यात्रा पर जाने से डरता था, पर इस यात्रा की अनुभूति ने मुझे ऐसी अनुभूति दे दी कि एक सामान्य इंसान जिसके प्रति हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो भाव होता है, जो उसकी छवि यानी उसका चित्र अंकित होता है, उससे बहुत पर पढ़ा लिखा इंसान ऑटो चलाता था। और लेखक के साथ इतनी आत्मीयता से वह जुड़ गया कि मानो वह उसका ही बेटा हो। दूसरी बात कि दूषित दुर्दशा से घिरी हुई, मुसीबत में पड़ी हुई एक स्त्री जिसका उद्धार करके अपने जीवन के साथ जोड़कर स्वयं मुसीबत मोड़ ली। ऐसा नहीं था कि मोहन को लड़की नहीं मिलती थी या उसकी शादी नहीं होती थी, उसकी शादी भी तय हो चुकी थी, पर उसकी बात कि भाभी की लड़की भाभी की बहन से तो कोई भी शादी करने को तैयार हो जाएगा, पर इस घर से भागी हुई जिसे माता पिता बड़ी उम्र वाले इंसान से उसे बेच रहे थे, इस लड़की से कौन शादी करेगा? ऐसा सोचकर मोहन ने स्वयं शादी करने के लिए उसके साथ अपने परिवार की कफा मोड़ ली। परिवार ही नहीं, उसने आगरा तक यानी कि अपना शहर भी छोड़ दिया। एक पढ़ा लिखा नवयुवान नए शहर में ऑटो चलाकर अपना गुजारा करने लगा। यह थी एक यात्रा यह भी कि हम यात्रा से, तीर्थ स्थानों से प्रभावित होते हैं, पर जीवन में कभी कभी ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो किसी यात्रा से कम नहीं होते और हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्मृतियां छोड़ जाते हैं कि हम जीवन पर्यंत उसे भूल नहीं पाते। एक सामान्य सा माना जाने वाला इंसान इतनी बड़ी महान विरल विभूति बन जाता है कि उसके
बातें सुनकर उसका आचरण देखकर हमारे मन में उसके प्रति अहोभाव और भी बढ़ जाता है। जो हमारा विषयांग था एक यात्रा, यह भी नौवीं कक्षा का 11वां विषयांग, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में एक बहुत प्रेरणात्मक विषयांग माना जाता है। तो इस कहानी से हम यह सीख ले सकते हैं कि स्त्री सम्मान, स्त्री शिक्षा, स्त्री उद्धार की बातें करने वाले लोग शायद अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उन बातों को उतारते नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जीवन में ऐसा आचरण कर देते हैं कि जिसके प्रति हमारा मस्तक अपने आप झुक जाता है। लेखक भी इस मोहन की बातों को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि लेखक कहते हैं कि आपके चरण छूने की इच्छा होती है कि आप जैसे महान, आप जैसे बड़े इंसान शायद ही जीवन में मिलते हैं। तो लेखक की यात्रा सफल हुई। इस तरह जीवन में कभी कभी कई इंसानों से हमारा ऐसा प्रभाव, हमारे उसके साथ जुड़ने से हमारे जीवन में कुछ ऐसी अनुभूतियाँ जो हम जीवन पर्यंत भूल नहीं पाते। इस विषयांग का स्वाध्याय और पूरे स्वाध्याय का प्रश्न, इन कठिन शब्दों का सुझाव अपनी नोंद पोथी में लिखना है। और यह था हमारा 11वां इकाई। जय हिंद।